बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई का जो घटक है अभ्यास तीन, इसके अंतर्गत हमें जो अलग सा स्वाध्याय दिया है उसे पूरा करेंगे। तो आओ देखते हैं अभ्यास तीन। बच्चों, आपको कहानी सुनना, कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? तो मैं आज आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो चलो देखते हैं कहानी। चित्र कथा, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अंतिम चित्र में दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा होगा लिखो। तो अब हम कुछ चित्र देखेंगे। उस चित्र को देखकर चित्र के आधार पर कहानी लिखेंगे। तो आओ देखते हैं चित्र। देखो बच्चों, इस चित्र कथा के चित्र ध्यान से देखना। देखो, इसमें यह पहला चित्र है। इस पहले चित्र में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यह दूसरा चित्र है। उन लोगों के सामने एक भालू आ गया है और वो डर कर भाग रहे हैं। यह तीसरा चित्र है। दोनों में से एक पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा जमीन पर लेट गया। ये चौथा चित्र है। तो वो भालू जो है लेटे हुए आदमी के नाक के पास अपनी नाक लेकर सूंघ रहा है और पेड़ पर चढ़ा जो आदमी है उसे देख रहा है। ये पांचवा चित्र है। देखो तो भालू ने उस जमीन पर लेटे हुए आदमी को कुछ नहीं किया और भालू निकल गया है, निकल जा रहा है। ये छठा चित्र है। तो इस चित्र में ये दोनों आपस में क्या बात करते होंगे यही हमको सोच कर लिखना है। तो ये चित्र अब हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं और हर एक चित्र के आधार पर अपनी कहानी लिखते हैं। देखो बच्चों, चित्र को ध्यान से देखना, क्या क्या दिखाई दे रहा है। दो आदमी है तो हम इन दोनों के कुछ नाम रखते हैं। ये दोनों एक ही उम्र के लगते हैं तो शायद ये दोनों मित्र है, दोस्त है। इनके अगल बगल में बहुत सारे पेड़, जंगल सा दिखाई दे रहा है। तो ये जंगल से गुजरते होंगे और भूख लगी है इस कारण खाना खा रहे हैं। उनके पास गठरी में कुछ बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद ये व्यापारी होंगे। और इस चित्र के कोने में देखा है कौन है पीछे? ये भालू है। तो चलो, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है इसके आधार पर हम कहानी लिखना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं। कहानी लिखने से पहले ये जो दो आदमी है इनके नाम रखते हैं। ये है राम और ये है श्याम। ये जिस गांव के रहते हैं उस गांव का नाम सोनापुर रखते हैं। ये दोनों
व्यापारी है, यह बार ध्यान में रखना। तो आओ कहानी लिखना शुरू करते हैं। सोनापुर गांव में राम और श्याम नाम के दो व्यापारी मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता पूरे गांव में मशहूर थी। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों दूसरे गांव जा रहे थे। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे। दोपहर हो गई थी, कड़ी धूप पड़ी थी। दोनों दोस्तों को भूख लगी थी, तो उन्होंने एक बड़े से पेड़ की छाया में भोजन करना प्रारंभ किया। खाना खाया, पानी पिए, अब आगे जाने के बारे में दोनों में बातचीत चल ही रही थी। इसी बीच उन्हें दूर झाड़ियों के पीछे से एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई दिया। दोनों बहुत ही डर गए। देखो तो इस चित्र को ध्यान से देखना। ये जो नीली कमीज में है वह राम है, और लाल कमीज पहना है वह श्याम है, और पीछे जो जानवर है वह भालू है। राम और श्याम के चेहरे देखो, वो बहुत डरे हुए हैं। दोनों ही भालू से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और भालू उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। तो आओ इस चित्र पर आगे लिखते हैं। दोनों मित्रों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। उनके पास भालू से बचाव करने का कोई साधन नहीं था, न कोई शस्त्र था। उधर भालू उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। दोनों मित्र डर कर भागने लगे थे। अब इस चित्र को बड़ी सावधानी से देखना, ध्यान से देखना। देखो तो जो नीले कमीज में है वो है राम। वो भालू से बचाव करने के लिए क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है। और ये जो श्याम है लाल कमीज में, वह जमीन पर लेट गया है। शायद उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता होगा। और भालू जो है वो तो दोनों की तरफ बढ़ ही रहा है। तो आओ इस चित्र के आधार पर आगे की कहानी लिखते हैं। दोनों मित्र हड़बड़ा गए थे। दोनों में से राम को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह तेजी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया। श्याम को तो पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था, इसलिए वह भागते जा रहा था और भालू उसके पीछे पड़ा था। इस भागदौड़ में श्याम अचानक जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांसें भी कुछ देर के लिए रोक ली। वह हर रोज योगा करता था, इसलिए उसे सांसें कुछ देर तक रोकना आता था। उधर पेड़ पर चढ़ा राम घबरा कर आगे क्या होगा यह देख रहा था। यह चित्र बड़े ध्यान से देखना बच्चों। देखो तो भालू श्याम के बिल्कुल करीब पहुंचा है। वह श्याम के नाक के पास अपनी नाक लेकर कुछ सूंघ रहा है, और पेड़ पर बैठा राम जो है डर कर यह सब देख रहा है। तो इस चित्र के आधार पर हम आगे की कहानी लिखते हैं। चलो तो भालू श्याम के पास पहुंच गया था। उसने श्याम की एक दो परिक्रमा की, फिर उसने श्याम के कान के पास मुंह लाकर श्याम का परीक्षण किया। श्याम मन ही मन डर गया था।
लेकिन वह अपनी सांसें रोककर बिना कुछ हिले डुले जमीन पर लेटा रहा, बिल्कुल बेजान सा पड़ा रहा। यह सारी घटना राम पेड़ पर छुप कर बैठे देख रहा था। अब आगे का चित्र देखते हैं। देखो तो ये जो भालू है, भालू ने शाम की एक दो परिक्रमा लगाई, यानी उसके और घूमकर उसने सब तरह उसे देखा। बाद में उसके कान की तरफ अपनी नाक लेके गया, कुछ कहा सूंघा, और फिर वह भालू शाम से दूर निकल पड़ा। तो इस चित्र में देखो, भालू ने शाम को कुछ नहीं किया है, वह सिर्फ उसे सूंघता रहा, क्योंकि शाम बिल्कुल बेजान सा पड़ा रहा था, मानो जैसे उसकी मृत्यु हो गई है। तो यह देखकर भालू भी समझ गया कि शाम शायद मर गया है। तो आओ इसी चित्र के आधार पर आगे कहानी पूरी करते हैं। थोड़ी देर में भालू को यह यकीन हो गया कि शाम मर चुका है, इसलिए भालू ने शाम पर हमला करने के बजाय भालू वहां से निकल गया। लेकिन अभी भी शाम सांसें रोककर लेटा ही रहा। धीरे से उसने आंखें खोलकर देखा तो भालू जंगल की झाड़ी में निकल गया था। अब शाम की जान में जान आई। देखो तो ये चित्र ध्यान से देखना। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पर चढ़ा हुआ राम नीचे उतर आया है और लेटा हुआ श्याम उठकर बैठा है, और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या बातें करते होंगे? सोचो तो। सोचा? क्या कहा होगा एक दूसरे से उन्होंने? तो आइए इस चित्र के आधार पर अब हम कहानी को आगे पूरा करते हैं कि ये दोनों आपस में क्या बातें करते होंगे। भालू के चले जाने के बाद श्याम उठकर बैठ गया। उधर राम भी पेड़ से उतरकर श्याम के पास पहुंचा। राम ने बड़े अचरज से श्याम से पूछा, यह तो बताओ कि भालू ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया और उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? हालांकि श्याम को राम के इस व्यवहार पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन उसने स्वयं को संभाला और जवाब देते हुए कहा, भालू मेरे पास एक सीख देने आया था और उसने कान में वही सीख दी और चला गया। तो देखो बच्चों, यहाँ आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। राम श्याम से पूछता है कि तुम्हें भालू ने कैसे छोड़ दिया और तुम्हारे कान में उसने क्या कहा? तो श्याम ने बताया कि भालू मुझे सीख देने आया था, मेरे कान में सीख दी और निकल गया। तो यह जो राम है वह श्याम से पूछता है, भालू ने तुम्हें क्या सीख दी, मुझे भी बताना। तो श्याम उसे क्या कहता है? भालू ने कहा, जो बुरे वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ दे वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है,
जो संकट में तुम्हारा साथ छोड़कर खुद को बचाने पेड़ पर चढ़ गया, उसका साथ तुम छोड़ दो। राम ने फिर श्याम से पूछा, भालू ने क्या सीख दी? इस पर श्याम ने बताया, भालू ने कहा कि जो बुरे वक्त में साथ नहीं देता वह सच्चा मित्र नहीं है, इसलिए तुम अपने इस मित्र का साथ छोड़ दो, वह तुम्हें संकट में अकेला छोड़कर खुद की सुरक्षा करने पेड़ पर चढ़ गया, वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। श्याम की यह बात सुनकर राम का सर श्याम से झुक गया, फिर दोनों मित्र अलग अलग हो गए और अपनी अपनी राह पर चल पड़े। बच्चों, अभी अभी हमने जो कहानी लिखी है उस कहानी द्वारा हमें जरूर कोई ना कोई सीख मिलती है, तो हमें इस कहानी द्वारा प्राप्त सीख जो है उसे लिखना है। सोचो तो क्या सीख देती है ये कहानी? देखो, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। तो यह सीख इस कहानी द्वारा हमें प्राप्त होती है। इस सीख को हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। अगर तुम किसी के सच्चे दोस्त हो, यह साबित करना चाहते हो, तो तुम्हारे मित्र के हर भले बुरे वक्त पर उसे साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। यह बात जरूर ध्यान में रखना और एक सच्चे मित्र की तरह अपने मित्र के साथ पेश आना। देखो बच्चों, अभी चित्र के आधार पर हमने जो कहानी लिखी है उस कहानी को हमें शीर्षक देना है, उस कहानी का कुछ तो नाम रखना है, उस कहानी को कुछ नाम देना है। तो पूरी कहानी लिखने के बाद आपके मन में कौन से शीर्षक आ रहे हैं बताओ तो जरा। देखो, एक एक करके बताना। दो मित्र, यह शीर्षक हम इस कहानी को दे सकते हैं। और भी बताओ, भालू की सीख, यह भी शीर्षक दे सकते हैं। सच्चे मित्र की पहचान, यह भी शीर्षक दे सकते हैं। धोखेबाज मित्र, यह भी हम इस कहानी को शीर्षक दे सकते हैं। और भी कोई अलग शीर्षक आपके मन में, आपके ध्यान में आता है तो जरूर आपको जो शीर्षक इस कहानी के लिए सुझा है वह आप वही शीर्षक लिख देना। तो बच्चों, चित्र के आधार पर किस तरह कहानी लिखी जा सकती है यही अभी आपने सीखा है। तो आओ, मैं कुछ और चित्र लाई हूँ, उसे देखकर आप इसी तरह कहानी लिखने की जरूर कोशिश करना। तो आओ देखते हैं कुछ चित्र जिसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। देखो तो यहाँ चार चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों में आपको क्या दिखाई देता है? शायद ये कहानी आपने पहले सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो चित्र के आधार पर आप उसे लिख देना और कहानी के द्वारा क्या सीख मिलती है, कहानी का शीर्षक क्या है, यह भी आपको लिखना है। तो इस कहानी को याद करो और इस चित्र के आधार पर कहानी को पूरा करो। तो और भी एक कहानी के चित्र हम देखते हैं। देखो तो ये भी कहानी शायद आपको मालूम होगी और
ये चित्र देखकर ये जो खरगोश है, कछुआ है, ये आपस में क्या बोलते होंगे, क्या करते होंगे, यह सोचकर आपको इस चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। अब यहाँ खरगोश और कछुआ यह जो नाम है, इसके सिवा आप कौन सा अलग शीर्षक दे सकते हैं? इस कहानी द्वारा आपको क्या सीख मिलती है, इसको भी लिखना है। तो इन चित्रों के आधार पर आप जरूर कहानी लिखना और उसे अपने क्लास टीचर को दिखाना। तो बच्चों, चित्र के आधार पर किस तरह कहानी लिखी जा सकती है, यही अभी आपने सीखा है। तो आओ, मैं कुछ और चित्र लाई हूँ, उसे देखकर आप इसी तरह कहानी लिखने की जरूर कोशिश करना। तो आओ देखते हैं कुछ चित्र जिसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। देखो तो यहाँ चार चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों में आपको क्या दिखाई देता है? शायद ये कहानी आपने पहले सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो चित्र के आधार पर आप उसे लिख देना और कहानी के द्वारा क्या सीख मिलती है, कहानी का शीर्षक क्या है, यह भी आपको लिखना है। तो इस कहानी को याद करो और इस चित्र के आधार पर कहानी को पूरा करो। तो और भी एक कहानी के चित्र हम देखते हैं। देखो तो ये भी कहानी शायद आपको मालूम होगी और ये चित्र देखकर ये जो खरगोश है, कछुआ है, ये आपस में क्या बोलते होंगे, क्या करते होंगे, यह सोचकर आपको इस चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। अब यहाँ खरगोश और कछुआ यह जो नाम है, इसके सिवा आप कौन सा अलग शीर्षक दे सकते हैं? इस कहानी द्वारा आपको क्या सीख मिलती है, इसको भी लिखना है। तो इन चित्रों के आधार पर आप जरूर कहानी लिखना और उसे अपने क्लास टीचर को दिखाना। तो बच्चों, आज हमने चित्र के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है इस बात को समझा है और हमने एक कहानी लिखी भी है। स्वाध्याय के तौर पर मैंने आपको और दो कहानियों के चित्र दिए हैं। आप इन दोनों कहानियों को जरूर लिखना। देखो बच्चों, इस तरह चित्र के आधार पर या बिना चित्र के भी आप भी इस तरह की कहानियां लिख सकते हो। अगर तुम बार बार कहानी लिखने की कोशिश करोगे तो जरूर एक दिन बड़े लेखक बन जाओगे। या आपको कविता करने में रुचि है तो अलग अलग कविताएं कर कर आप आगे कवि भी बन सकते हो। तो आज का ये स्वाध्याय आपको कैसे लगा? पसंद आया ना? तो इसी तरह अलग सा स्वाध्याय लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित
कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है, और हाँ साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है, और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।